डियर स्टूडेंट्स इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज नंबर 3.3 का सेकंड पार्ट फर्स्ट पार्ट में मैंने क्वेश्चन वन टू थ्री तक का सोल्यूशन आपको कराया है जिन स्टूडेंट्स ने वो वीडियो नहीं देखी है वो चैनल पे जाके वीडियोस वाले सेक्शन में या प्लेलिस्ट में एट्थ एन सी मैथ्स के नाम से है उसको आप चेक कर सकते हो तो फोर्थ क्वेश्चन को हम स्टार्ट कर रहे हैं और इसमें हमने जो शेप पढ़ी है वो है पेरेलोग्राम पेरेलोग्राम में अपोजिट वो कॉर्डेटल जिसमें पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरल टू ईच अदर और जो अपोजिट एंगल्स होंगे वो भी कैसे होते हैं इक्वल एंड डायगनल बाईसेक्ट ईच अदर ये सब कुछ हमने पढ़ा है पार्ट वन में अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन है ड्रो अ रफ फिगर ऑफ अ क्वार्डलेटर दैट इज़ नॉट अ पैरेलोग्राम अब क्वारलेटर लेनी है फोर लाइन सेगमेंट से बना हुआ क्लोज फिगर जो पैरेलोग्राम ना हो बट हैज़ एग्जैक्टली टू अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल मेजर लेकिन उसके जो दो एंगल हैं अपोजिट वो कैसे हो इक्वल हो तो वो क्वाड्रेटल होती है काइट अब देखिए काइट की प्रॉपर्टी क्या है अ क्वाड्रेटल विद एग्जैक्टली टू पेयर ऑफ इक्वल कॉन्जक्टिव साइड्स जो कॉन्जेक्टिव साइड्स हैं वो होती हैं इक्वल देखिए ए डी और ए बी ऐसे ही सी डी और सी बी ये क्या होंगी इक्वल और इसकी प्रॉपर्टी क्या है डायगनल्स आर परपेंडिकुलर टू वन अनदर जो डाइगनल्स होते हैं इसके जैसे ए सी एंड बी डी ये दो डायगनल है तो ये एक दूसरे के क्या होंगे परपेंडिकुलर एंड वन ऑफ द डायगनल बाइसेक्ट दी अदर एक डायगनल दूसरे को बाइसेक्ट करेगा या तो ए सी बाइसेट करेगा बी डी को इसके दो पार्ट हो जाएंगे इक्वल या बी डी बाइसेकट करेगा ए सी को ए सी के क्या हो जाएंगे दो इक्वल पार्ट और अपोजिट एंगल्स जो हैं एम यानी मेजर ऑफ दी एंगल बी इक्वल टू मेजर ऑफ दी एंगल डी ये एंगल बी एंगल किसके इक्वल आएगा डी के बट ए किसके इक्वल नहीं होगा सी के अगर ये इसके इक्वल आता है तो तो एक तरीके से केस पैरेललोग्राम जैसा हो जाएगा लेकिन इसमें क्या होता है एक पेयर ही अपोजिट एंगल्स का इक्वल होगा दूसरा नहीं तो ये हमारा सॉल्यूशन है क्वेश्चन नंबर फोर का अब नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ क्वेश्चन स्टेटमेंट है ऑफ टू एडजेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इन द रेशो थ्री रेशो टू फाइंड दी मेजर ऑफ ईच ऑफ दी एंगल्स ऑफा पैरेलोग्राम ये रेशो वाले क्वेश्चन चैप्टर टू में भी हमने किए तो जब भी रेशो में आएंगे दो नंबर्स तो उनके साथ एक कॉमन नंबर होगा मल्टीप्लाई में उसको हम सपोज कर लेते हैं एक्स एडजेसेंट एंगल्स हैं पहले आप देखिए पैरेलोग्राम है इसको हम मार्किंग कर देते हैं ये ए बी सी डी कोई एक पैरालोग्राम है और ये इसके एडजेसेंट एंगल है एंगल ए और एंगल बी ये है थ्री रेशो टू में तो इसको हम सपोज कर लेते हैं थ्री एक्स और ये है टू एक्स पैरालोग्राम की प्रॉपर्टी क्या है अपोजिट एंगल्स आर इक्वल तो ये एंगल भी कितना होगा थ्री एक्स और ये एंगल बी के अपोजिट डी है तो ये कितना हो जाएगा टू एक्स इसके दो मेथड हैं इसको सॉल्व करने के या तो आप इन चारों एंगल का सम लिखिए थ्री सिक्सटी क्योंकि जो पैरालोग्राम है वो क्वारिलेटल है और क्वार्डिलेटल में इंटीरियर एंगल्स का सम होता है थ्री सिक्सटी डिग्री दूसरा मेथड क्या है एंगल ए प्लस बी इक्वल टू एट्टी डिग्री क्यों क्योंकि ये कैसे हैं एडजेसेंट एंगल तो यही हम इसमें यूज करेंगे फ्रॉम फिगर एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू वन एट्टी डिग्री क्यों है ये ये एडजेसेंट एंगल है ये है एडजेसेंट एंगल और एडजेसेंट एंगल्स का सम होता है पैरेललोग्राम में 180 डिग्री ए है 3x B बी है 2x इक्वल टू वन एट्टी डिग्री थ्री एक्स और टू एक्स ये है फाइव एक्स इक्वल टू वन एट्टी डिग्री यहाँ से जो एक्स की वैल्यू है वो है वन एट्टी बाय फाइव और फाइव से आप इसको कैंसिल आउट कीजिए तो ये आ जाएगा थर्टी सिक्स डिग्री देर फोर जो एंगल ए है वो किसके इक्वल है थ्री एक्स और थ्री को थर्टी सिक्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो वन हंड्रेड एट डिग्री एंगल बी टू एक्स और वो क्या आ जाएगा टू इंटू थर्टी सिक्स तो ये आ जाएगा सेवेंटी टू डिग्री अब हमें क्या करना है फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ दी एंगल्स अब देखिए आप बट जो एंगल ए है वो एंगल सी के इक्वल एंड एंगल बी है ये एंगल डी के इक्वल क्यों है ये अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम ये क्या है अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम तो पेरालोग्राम में जो अपोजिट एंगल्स हैं वो कैसे होते हैं इक्वल देर जो एंगल सी है ये ए जो ए की मेजरमेंट है 108 डिग्री एंड एंगल डी ये जो बी की मेजरमेंट है 72 डिग्री तो ये हमारा सॉल्यूशन है क्वेश्चन फिफ्थ का अब नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्स क्वेश्चन टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पेरेलोग्राम हैव इक्वल मेजर्स पैरेलोग्राम के दो एडजेसेंट एंगल्स हैं इक्वल मेजरमेंट के फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ दी एंगल्स ऑफ अ पैरेलोग्राम तो पहले तो पैरेलोग्राम हम स्पोज कर लेते हैं कि ए बी सी डी एक पैरेलोग्राम है जिसमें एडजेसेंट एंगल्स इक्वल मेजर के हैं और वो मेजर हमने स्पोज कर लिया है वो है एक्स ए बी एक्स है और बी वी एक्स है तो फ्रॉम फिगर जो एंगल ए और बी है इन दोनों का सम आ जाएगा 180 डिग्री एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू वन एट्टी डिग्री क्यों है ये एडजेसेंट एंगल ये एडजेसेंट एंगल है ऑफ पैलेलोग्राम तो एंगल ए है एक्स एंगल बी है एक्स इक्वल टू वन एट्टी डिग्री तो टू एक्स इक्वल टू वन डिग्री देन एक्स इक्वल टू वन डिग्री बाई टू तो ये आ गया है नाइन्टी डिग्री एक्स नाइन्टी है तो ए नाइन्टी बी भी नाइन्टी और सी और डी ये अपोजिट एंगल है सी अपोजिट है ए का और डी अपोजिट है बी का तो अब आप क्या लिखोगे बट एंगल इक्वल टू एंगल सी एंड एंगल बी इक्वल टू एंगल डी क्या रीजन है इसका अपोजिट एंगल ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ आ पैरेललोग्राम किसी पैरालोग्राम के जो अपोजिट एंगल्स हैं वो होते हैं इक्वल देर जो एंगल ए है ये कितने डिग्री आया है नाइन्टी डिग्री एंगल बी ये भी नाइन्टी और बी डी के और सी ए सी किसके इक्वल है? A के तो सी भी नाइन्टी और डी भी नाइन्टी तो ये हमारा सॉल्यूशन था क्वेश्चन नंबर सिक्स का अब नेक्स्ट क्वेश्चन है सेवंथ क्वेश्चन स्टेटमेंट है द एडेसेंट फिकर एच ओ पी ई होप इज़ आ पैरेलोग्राम ये एक पेरेलोग्राम है फाइंड दी एंगल मेजर्स एक्स वाई एंड जेड स्टेट द प्रॉपर्टी यू यूज टू फाइंड देम अब हमें जो प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे उसको हमें लिखना भी है तो आइए अब देखते हैं इसको स्टार्ट करते हैं पैरेलोग्राम में अपोजिट एंगल्स होते हैं इक्वल तो जो ये एक्स है ये इस एंगल के अपोजिट हो जाएगा जब आप इसको ऑब्जर्व करते हो एच ओ पी ई ये एक कंप्लीट क्या है एक पैरलोग्राम है तो एच एंगल बना है इन दोनों के सम से जेड और 40 ई e एंगल में एक्स है और यहाँ पे ओ इंटीरियर पार्ट इस ये एंगल गिवन नहीं है इसको हम स्पोज कर लेते हैं ए और ये एंगल बना है पी इन दोनों से तो पहले हम करते हैं इनको फाइंड आउट ये एंगल नहीं है तो इसको हम सपोज कर लेते हैं ये है बी तो आइए अब स्टार्ट करते हैं पहले आप देखिए ये फिगर बनाने के बाद अब ये एक लाइन पे बने हुए दो एंगल हैं एडजेसेंट तो ए और सेवनटी डिग्री इन दोनों एंगल्स का सम हो जाएगा वन एट्टी डिग्री फ्रॉम फिगर जो एंगल ए है ए प्लस सेवनटी डिग्री इज इक्वल टू वन एट्टी ये लीनियर पेयर में ये कौन से हैं लीनियर पेयर लीनियर पेयर में एंगल्स का सम आएगा वन एट्टी डिग्री तो ए किसके इक्वल है वन एट्टी डिग्री माइनस सेवेंटी डिग्री वन हंड्रेड टेन डिग्री तो ए के आंस की वैल्यू क्या आ गई है वन हंड्रेड टेन डिग्री बट जो एक्स है वो किसके इक्वल है ए के क्यों इक्वल है अपोजिट एंगल ऑफ आ पैरेलोग्राम किसी भी पैरेलोग्राम में जो अपोजिट एंगल्स हैं वो होते हैं इक्वल देर जो एक्स है वो भी ए की मेजरमेंट का हो जाएगा ए का आंसर 110 आया है तो इसका आंसर भी कितना आ जाएगा 110 डिग्री ये तो ए की वैल्यू आ गई अब देखिए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं कब जब लाइनें पैरल हों और पैरल देखिए हमें पेरेलोग्राम गिवन है तो एच ओ और ई पी ये दोनों साइडें इक्वल भी हैं और पैरल भी हैं तो इनके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कैसे होंगे इक्वल एंगल Y और 40 ये दोनों एंगल कैसे हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल एंड Y इक्वल टू 40 डिग्री ये आप लिखोगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बिकॉज एच ओ इज पैरल टू ई पी जो साइड एच ओ है ये ई पी के पैरल है तो ये दोनों एंगल वाई और 40 ये दोनों एंगल किसके बने हैं अल्टरनेट इंटीरियर में अगर हमें बी की वैल्यू को पता चल जाए तो हम किस को फाइंड आउट कर सकते हैं जेड को डायरेक्टली जेड आ जाएगा या इस एंगल में देख लीजिए आप ए वाई और जेड इन तीनों का सम कितना है 180 डिग्री तो आप देखिए ऑल्सो ए प्लस जेड प्लस वाई इक्वल टू वन एट्टी डिग्री ये क्या है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राएंगल किसी भी ट्रैंगल में क्या है ये एंगल सम प्रॉपर्टी तो अब देखिए ए का आंसर कितना है वन हंड्रेड टेन डिग्री वाई कितना है फोर्टी डिग्री इक्वल टू वन एट्टी डिग्री 110 और 40 को जब आप ऐड कर दोगे तो ये आ जाएगा 150 डिग्री तो यहां से जो जेड है उसका आंसर आया है वन एट्टी माइनस वन फिफ्टी है थर्टी डिग्री तो जेड का जो आंसर आ जाएगा वो आएगा थर्टी डिग्री तो ये हमारा फाइनल आंसर है क्वेश्चन नंबर सेवन का अब नेक्स्ट क्वेश्चन है एट्थ क्वेश्चन स्टेटमेंट है दी फॉलोइंग फिगर्स जो ये दोनों फिगर हैं ये क्या है पेरेलोग्राम फाइंड एक्स एंड वाई आर इन सेंटीमीटर यानी कि साइडें हमें फाइंड आउट करनी है तो पहले पैरलोग्राम की प्रॉपर्टी क्या है अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल टू ईच अदर जैसे जी यू के अपोजिट क्या है एस एन यू एन के अपोजिट क्या है जी एस ये आपस में कैसी होंगी इक्वल और डायगनल बाइसेक्ट ईच अदर जो डायगनल हैं जैसे आर एन और यू एस ये बाइसेकट करेंगे टू इक्वल पार्ट करेंगे एक दूसरे के तो आइए अब स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट का सोल्यूशन तो फर्स्ट में हमें साइडें गिवन है तो हम इसमें क्या लिखेंगे पहले वी नो दैट वी नो दैट अपोजिट साइड्स ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेलोग्राम आर इक्वल जो पैरेलोग्राम है उसमें अपोजिट साइडें कैसी होती हैं इक्वल देयर फोर जो जी यू है वो एस एन के इक्वल एंड यू एन इक्वल टू जी एस ये साइडें आपस में कैसी हो जाएंगी ये साइड इस साइड के इक्वल और ये साइड इस साइड के इक्वल तो अब आपको क्या लिख देना है सो so, जो जी यू है वो कितनी है थ्री वाई माइनस वन इक्वल टू एस एन एस एन है ट्वेंटी सिक्स और यू एन है एटीन और जी एस है थ्री एक्स तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं थ्री वाई इक्वल टू माइनस वन को राइट right साइड में लिखिए आप तो क्या लिखा जाएगा प्लस वन थ्री वाई इक्वल टू ट्वेंटी सेवन तो वाई इक्वल टू ट्वेंटी सेवन बाई थ्री कैंसिल आउट कीजिए नाइन तो वाई का आंसर नाइन आया है लेकिन हमें किस में लिखना है वो सेंटीमीटर में तो वाई आ गया है नाइन सेंटीमीटर और एक्स एक्स है यहाँ से एटीन के डिवाइड में क्या लिखा जाएगा थ्री एटीन बाई थ्री तो ये सिक्स सेंटीमीटर अब हमें साइडें लिखनी है साइडें कौन सी हैं तो है ट्वेंटी तो तो हमने कर लिया है फाइंड आउट तो एक्स का आंसर आया है सिक्स सेंटीमीटर और वाई का आंसर क्या आया है नाइन सेंटीमीटर तो ये हमारा फाइनल आंसर है फर्स्ट पार्ट का आइए अब स्टार्ट करते हैं इसके सेकेंड पार्ट को सेकेंड पार्ट में ये फिगर हमें गिवन है इस फिगर में जो अंदर है ये डायगनल है यू एस एंड आर एन ये क्या है डायगनल तो डायगनल क्या करते हैं पैरेलोग्राम में बाइसेक्ट ईच अदर तो यही लाइन हमें पहले लिखनी पड़ेगी इस सेकंड पार्ट में वी नो दैट डाइगनल ऑफ अ डगनल्स ऑफ अ पैरेलोग्राम बाइसेक्ट और बाइसेक्ट ईच अदर जो डायगनल हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं बाइसेक्ट करते देर फोर फ्रॉम फिगर आप देखिए फिगर को ऑब्जर्व कीजिए ये डायगनल है आर एन तो एक्स प्लस वाई किसके इक्वल आ जाएगा इस पार्ट के सिक्सटीन के वाई प्लस सेवन किसके इक्वल आएगा जाएगा ट्वेंटी के एक्स प्लस वाई इक्वल टू सिक्सटीन एंड वाई प्लस सेवन इक्वल टू ट्वेंटी दोबारा देखिए डायग्नस करते हैं बाइसेक्ट तो बाइसेक्ट का मीनिंग टू इक्वल पार्ट आर एन के दो पार्ट हो गए एक तो एक्स प्लस वाई दूसरा सिक्सटीन ये आपस में कैसे होंगे इक्वल वाई प्लस सेवन और ट्वेंटी ये भी कैसे होंगे इक्वल तो यहाँ से पहले हम वाई को सॉल्व कर लेते हैं ईजिली आंसर मिल जाएगा वाई इक्वल टू ट्वेंटी प्लस सॉरी ट्वेंटी माइनस सेवन क्योंकि ये प्लस में सेवन था लेफ्ट में तो राइट right में माइनस में हो जाएगा तो वाई इक्वल टू थर्टीन सेंटीमीटर यहाँ से तो वाई का आंसर ये आ गया अब वाई की वैल्यू को यहाँ पुट कर दीजिए हमें किसका आंसर मिल जाएगा एक्स का तो एक्स प्लस वाई का आंसर कितना आया है थर्टीन इक्वल टू सिक्सटीन सो एक्स इक्वल टू सिक्सटीन माइनस थर्टीन प्लस थर्टीन था तो राइट right साइड में माइनस थर्टीन तो x का जो आंसर आएगा वो आएगा थ्री सेंटीमीटर यही हमारा फाइनल आंसर है इस सेकेंड पार्ट का अब नेक्स्ट क्वेश्चन है नाइन्थ क्वेश्चन ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का अब इसमें ये फिगर बना हुआ है और क्या गिवन है इन दबो फिगर बोथ ये आर आई एस के ये एंड सी एल यू ई ये सी एल यू आर पैरलोग्राम्स फाइंड दी वैल्यू ऑफ एक्स एक्स को हमें फाइंड आउट करना है अब ये पेरेलोग्राम है पैरेलोग्राम में अपोजिट एंगल्स आर इक्वल ये यूज होगा दूसरा सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स इज 180 डिग्री एडजेसेंट एंगल्स का सम कितने डिग्री आएगा 180 डिग्री तो ये फिगर है हमारे पास अब देखिए जो गिवन है हमें आर आई एस के ये है आर आई एस के तो इसमें जो के एंगल है ये किसके इक्वल है एंगल आई के क्यों क्योंकि अपोजिट एंगल है ये एंगल भी कितने डिग्री हो जाएगा वन ट्वेंटी डिग्री तो यहां आपको क्या लिखना है इट इज गिवन दैट इट इज गिवन दैट आर आई एस के एंड सी एल यू ई आर पैलेलोग्राम ये क्या है पेलेलोग्राम है देर फोर इन पैरलेलोग्राम आर आई एस के इस पैरलेलोग्राम में जो एंगल के है जो के एंगल है ये किसके इक्वल आ जाएगा एंगल आई के क्यों आएगा बिकॉज अपोजिट एंगल ऑफ पैरलेलोग्राम आर इक्वल ये कैसे होते हैं इक्वल देर फोर जो एंगल आई है ये कितना आ गया है वन ट्वेंटी डिग्री तो इसको हमें फाइंड आउट करना ज़रूरी था क्यों क्योंकि हम स्टेप बाय स्टेप किसको फाइंड आउट करेंगे एंगल एक्स को अब देखिए यहाँ इसके साथ कोई एंगल नहीं है इसको हम सपोज कर लेते हैं ए और ये एंगल हमें गिवन है एल सेवेंटी डिग्री यहाँ पे सेवेंटी डिग्री और ये एंगल सी एंड इन पैरेलोग्राम सी एल यू ई जो एंगल सी और एल हैं इस पैरेलोग्राम में सी और एल इन दोनों का सम है वन एट्टी डिग्री एंगल सी प्लस एंगल एल इक्वल टू वन एट्टी डिग्री क्यों क्योंकि ये कैसे एंगल हैं एडजेसेंट एडजेसेंट एंगल तो एंगल सी प्लस ये है सेवेंटी डिग्री इक्वल टू वन एट्टी डिग्री तो यहाँ से एंगल सी आ जाएगा वन एट्टी माइनस सेवनटी इक्वल टू वन हंड्रेड टेन डिग्री तो सी का आंसर मिल गया है अब देखिए ये वन हंड्रेड टेन डिग्री है इसको हम स्पोज कर लेते हैं बी अब एंगल फ्रॉम फिगर ये लेंथी क्वेश्चन है अभी थोड़ा इसको ध्यान से समझिए फ्रॉम फिगर इस फिगर में जो 120 और ए है इन दोनों का सम 180 बी और 110 इनका सम भी 180. एट्टी फ्रॉम फिगर 120 ट्वेंटी प्लस ए इक्वल टू वन एट्टी लीनियर पेयर एंड जो बी है प्लस 110 डिग्री 180 एट्टी यहाँ ये भी क्या है लीनियर पेयर तो ए का जो आंसर आएगा वो 180 एट्टी माइनस वन तो ए आ गया है 60 डिग्री और बी वन एट्टी माइनस वन हंड्रेड टेन डिग्री तो बी आ गया है सेवनटी डिग्री ए और बी अब देखिए ये ए है ये बी है ये सिक्सटी डिग्री ये सेवनटी डिग्री आपने कंसेप्ट पढ़ा है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स का जब लाइनें कट करती हैं ये एक्स है तो ये भी कितना हो जाएगा एक्स अब आप क्या लिखोगे फ्रॉम फिगर ए प्लस बी प्लस एक्स इक्वल टू वन एटी डिग्री और क्या रीज़न है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल तो ए आया है सिक्सटी डिग्री बी है सेवेंटी डिग्री ये एक्स इक्वल टू वन एटी डिग्री इन दोनों का सम वन थर्टी प्लस एक्स इक्वल टू वन एटी डिग्री तो एक्स आ जाएगा वन एट्टी माइनस वन थर्टी तो एक्स का आंसर है फिफ्टी डिग्री और यही हमारा फाइनल आंसर है इस क्वेश्चन नंबर नाइन का इस वीडियो में हम इसी क्वेश्चन तक का सोल्यूशन करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के सोल्यूशन के लिए आप इस चैनल के साथ जुड़ें इस चैनल की वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए और अपने अच्छे अच्छे कमेंट लिखे कमेंट सेक्शन में मेरे साथ शेयर करें